नमस्कार, बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं संतोष कंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। बिहार में कोरोना की रफ्तार बेकाबू होती जा रही है। बिहार में एक बार फिर से 2174 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। इसके साथ ही राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या 9397 तक पहुंच गई है। शुक्रवार की शाम तक 24 घंटे में पटना में सबसे ज्यादा 661 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। गया में 191, भागलपुर में 163, मुजफ्फरपुर में 106 मरीजों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। जाहिर है कि तेजी से बढ़ रहे कोरोना मरीजों के इस आंकड़े ने सरकार की नींद उड़ा दी है। वहीं बिहार सरकार ने स्कूलों को 18 अप्रैल तक बंद करने का फैसला किया है, जबकि सभी दुकानों को शाम 7 बजे के बाद खुला रखने पर पाबंदी लगाई गई है। यानी बिहार में एक बार फिर से लॉकडाउन जैसे हालात बनते जा रहे हैं। तो बिहार में तेजी से कोरोना वायरस अपने पैर पसार रहा है। कोरोना की रफ्तार अब तेज होती जा रही है। पटना सबसे ज्यादा संक्रमित पाया गया है। शादी में 200, जबकि श्राद्ध के लिए भी एक संख्या निर्धारित कर दी गई है। सिनेमा हॉल में 50% सीटों का इस्तेमाल किया जा सकता है। आर्थिक स्थल, धार्मिक स्थल आम लोगों के लिए बंद कर दिए गए हैं। स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान 18 अप्रैल तक के लिए बंद कर दिए गए हैं। 30 अप्रैल तक सभी दुकान और प्रतिष्ठान शाम 7 बजे के बाद नहीं खुले रह सकते। रेस्टोरेंट में केवल 25% ग्राहकों को ही जाने की अनुमति दी गई है। अवनीश हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। अवनीश, पूरा बिहार एक बार फिर लॉकडाउन की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। 18 अप्रैल तक स्कूल बंद कर दिए गए हैं और तमाम जो चीजें हैं, 7 बजे के बाद दुकानें नहीं खुली होंगी, रेस्टोरेंट में जाने के लिए संख्या निर्धारित कर दी गई है, सिनेमा हॉल में जाने के लिए संख्या निर्धारित कर दी गई है, कह सकते हैं कि मिनी लॉकडाउन तो लग चुका है। लॉकडाउन इसको कह सकते हैं, जिसमें जो है संख्या निर्धारित कर दी गई है और कोई सार्वजनिक होंगे, कोई सरकारी कार्यक्रम नहीं होंगे और धार्मिक स्थलों को पूर्णतः बंद कर दिया गया है। स्कूल कॉलेजेस भी जो है 18 तारीख तक के लिए बंद कर दिए गए। आंशिक रूप से लॉकडाउन का असर भी दिख रहा है और शाम 7 बजे तक तमाम प्रतिष्ठान जो है उसको भी बंद करने का निर्देश जो है वो सरकार ने जारी किया है। देखिए, कोरोना एक रौद्र रूप जो है वो बिहार में ले रही है और लगातार बिहार में जो मरीजों की संख्या है कोविड के, उसकी संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। कल 10 मरीजों की मौत भी हो गई थी। आज भी जो आंकड़ा है वो अभी तक का जो आंकड़ा है वो 8 तक का आंकड़ा पहुंच गया है। 8 लोगों की मौत जो है वो कोविड के कारण बिहार में अभी तक हुई है। और वहीं जो मरीजों की संख्या है उसमें लगातार जो है इजाफा हो रहा है। कल भी लगभग 2000 से ज्यादा मरीज संक्रमित पाए गए थे। आज भी बड़ी संख्या में मरीज जो है वो संक्रमित पाए गए हैं और उनको जो है आइसोलेशन सेंटर में जो है वो रखा जा रहा है। देखिए, मुंबई और दिल्ली से जो ट्रेनें आ रही है उसके उस ट्रेनों को जहां जहां ट्रेनें रुक रही है वहां वहां पर उनकी तमाम लोगों की टेस्टिंग की जा रही है ताकि कोई भी कोविड मरीज जो है वो बच नहीं पाए, उसको डिटेक्ट किया जाए, उनको आइसोलेशन सेंटर में जो है वो भेजा जाए। तो सरकार पूरी तरह से तैयार है और सरकार की एक कोशिश है कि 11 से 14 तक जो है वो टीकाकरण कम मनाएगी और ज्यादा से ज्यादा लोगों को टीकाकरण का लाभ दिया जाए, उनका टीकाकरण किया जाए ताकि एक कोविड से बचा जा सके। भले ही कोविड से जो टीका लेने वाले लोग भी हैं वो कोविड से जरूर एक बार फिर इफेक्टेड जरूर हो रहे हैं, लेकिन वैसी स्थिति नहीं रहेगी जैसी स्थिति पहले थी। तो हमें लगता है कि टीकाकरण पर विशेष रूप से ध्यान दिया जा रहा है, टेस्टिंग पर विशेष रूप से ध्यान दिया जा रहा है और सरकार की एक कोशिश है कि सभी लोगों को टीका मिले। जो भी 45 वर्ष से ऊपर के जो व्यक्ति हैं जिनको टीका देना है उनको एक अभियान के तहत 11 से लेकर 14 तक जो है अभियान चलेगा और इस अभियान के तहत एक उत्सव मनाया जाएगा और सभी केंद्रों पर जो है वो टीका दिया जाएगा। तो सरकार कोशिश में लगी हुई है कि कोरोना महामारी में सभी को बचाया जाए। सरकार ने अपनी मंशा स्पष्ट कर दी है कि हम स्वास्थ्य के प्रति काफी सचेत हैं, भले ही हमें नुकसान जरूर हो रहे हैं लेकिन लोगों को का स्वास्थ्य अच्छा रखना है, इसीलिए हम कड़े फैसले ले रहे हैं और कड़े फैसले के तहत ही मंदिर मस्जिदों को गुरुद्वारा को जो है वो बंद, धार्मिक स्थलों को बंद कर दिया गया है। पार्क में भी जो है वो छूट दी गई है लेकिन सभी को मास्क पहनकर जाना अनिवार्य है। जो दुकानें हैं वहां भी अगर बिना मास्क के कोई व्यक्ति जाते हैं
तो उन पर जो है कार्रवाई होगी। बिना मास्क के कोई भी व्यक्ति न दुकानदार जा सकते हैं न ग्राहक जा सकते हैं। तो वैसी स्थिति में सरकार ने जो गाइडलाइन जारी किया है उस गाइडलाइन का जो भी फॉलो नहीं करेंगे तो उनकी दुकानें भी सील होगी, उन पर कोविड के तहत वो मामला भी दर्ज होगा। सरकार लगातार प्रयास कर रही है, लगातार कोशिशें कर रही है, आर्थिक नुकसान सरकार को भी हो रहा है, लोगों को भी हो रहा है, लेकिन सवाल ये है कि लोगों के लिए ये सब किया जा रहा है। हालांकि तस्वीरें इस तरह की आ रही हैं कि कुछ लोग बिना मास्क के सड़कों पर निकल रहे हैं, जो सरकार की गाइडलाइन है उनका पालन नहीं कर रहे हैं, धार्मिक स्थल बंद कर दिए गए हैं उसके बावजूद पूजा करने के लिए अड़े हुए हैं, और जो कोचिंग सेंटर्स बंद कर दिए गए हैं तो कोचिंग सेंटर्स की तरफ से भी विरोध किया जा रहा है। इन तस्वीरों को किस तरह से देख रहे हैं आप? ये बिल्कुल सरकार ने अपनी मंशा कल ही जाहिर कर दी है कि नुकसान भले ही होंगे, सभी को नुकसान होगा, सरकार को भी नुकसान हो रहे हैं, आम लोगों को भी नुकसान हो रहे हैं, लेकिन नुकसान से ज्यादा उनके स्वास्थ्य के प्रति हम सभी की चिंता है और सभी का स्वास्थ्य बेहतर रहे इसी को लेकर सरकार काम भी कर रही है। देखिए, जो भी कानून तोड़ रहे हैं उन पर कार्रवाई का भी सख्त निर्देश दिया गया है। तमाम जो अधिकारी हैं वो सड़क पे दिख रहे हैं, जो भी मास्क पहनकर नहीं निकल रहे हैं उन पर कार्रवाई भी हो रही है, जो भी दुकानदार अगर कोविड के गाइडलाइन का फॉलो नहीं कर रहे हैं उनकी दुकानें भी जब्त हो रही है, चाहे औरंगाबाद हो, पटना हो, किशनगंज हो, तमाम इलाकों से जो तस्वीर आई है वहां पर कार्रवाई भी होती दिख रही है। तो हमें लगता है कि इस कोविड महामारी में सभी के सहयोग की जरूरत सरकार को है, और वैसी स्थिति में जन जागरूकता भी फैलाया जा रहा है, होर्डिंग बैनर के माध्यम से हो या लाउड स्पीकर के माध्यम से हो, लोगों को प्रचार प्रसार किया जा रहा है लोगों के लिए, ताकि लोग जो है वो कोरोना महामारी में सचेत रहे। तो हमें लगता है कि सभी लोग जो है कोरोना गाइडलाइन का पालन करेंगे तो इस कोरोना से जंग जो है वो जीता जा सकता है। सरकार भले ही काम कर रही है लेकिन आम लोगों को इसमें सहयोग करने की जरूरत है। बिल्कुल, गाइडलाइन का जरूर पालन करें, और जिस तरह से बताया गया है कि धार्मिक स्थल बंद हैं, धार्मिक स्थलों में जब तक के लिए पाबंदी लगाई गई है तब तक ना जाएं, सिनेमा हॉल जाने से भी बचें, 50% जो संख्या है उसके साथ सिनेमा हॉल्स खोले गए हैं, लेकिन कोशिश करें कि ऐसे टफ टाइम में सरकार का साथ दें, सुरक्षाकर्मियों का साथ दें जो सड़कों पर आपकी सुरक्षा के लिए इस समय आपकी सुरक्षा के लिए ड्यूटी कर रहे हैं। अवनीश, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कोरोना की वजह से बिहार सरकार ने सभी स्कूल और कॉलेज को 18 अप्रैल तक बंद करने के निर्देश जारी कर दिए गए, लेकिन इसी बीच सरकार के आदेश के खिलाफ बिहार के गोपालगंज में निजी कोचिंग संस्थान संचालकों ने सरकार के स्कूल बंदी पर नाराजगी जाहिर की है, सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कोचिंग संस्थान ने सड़क पर उतर कर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। आपको बता दें कि बिरजू प्रसाद की अध्यक्षता में जिले से संबंधित सभी कोचिंग संस्थानों के संचालक एक एक कर हाथों में बैनर पोस्टर लिए सड़क पर उतर आए और घंटों सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। संचालकों का जत्था हथुआ मुख बाजार से होते हुए अनुमंडल तक पैदल निकला। कोचिंग संचालकों का आरोप है कि सरकार कोरोना काल में चुनाव करा सकती है लेकिन निजी कोचिंग संस्थानों को बंद कर उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। उद्देश्य है कि 12 तारीख से स्कूल खोला जाए, आंशिक लॉकडाउन न लगाया जाए, क्योंकि सारे विद्यालय बंद हो चुके हैं, भुखमरी की कगार पर सारे शिक्षक पहुंच गए हैं, इसमें जीवन चलाना दुर्लभ हो गया है, बच्चों की पढ़ाई सारी बाधित हो रही है। इसके लिए हम लोग, अगर सरकार हम लोग की बात नहीं मानती है, हम लोग कल से सविनय अवज्ञा आंदोलन की तरह इसको शुरू करेंगे, धरना प्रदर्शन देंगे और सरकार के सामने अपनी बात रखेंगे, आमरण अनशन करेंगे जब तक सरकार हमारी बातें नहीं मानती। ये कहाँ से कहाँ तक आप ये शुरू किए, अंत कहाँ तक करेंगे? अवगरदानी मंदिर से हम लोग का जुलूस निकला है, हम लोग पैदल मार्च जाएंगे अनुमंडल पदाधिकारी के यहाँ। तो हम लोगों का जो भी आंदोलन होगा अनुशासन के अंदर रह करके शांतिपूर्वक रह कर, हम लोग सरकार के विरोधी नहीं हैं लेकिन सरकार को भी हमारे बारे में सोचना होगा। कहते हैं कि ये कल्याणकारी राज्य है लेकिन सरकार के एजेंडा में प्राइवेट स्कूल के लिए एक भी पैसे का कोई कार्यक्रम नहीं है। हम लोग भूखे मर रहे हैं, कर्ज से तबाह है, कोई ये पूछने के लिए नहीं तैयार है कि एक साल से आप लोग जिंदा कैसे। इसलिए हम लोग यही मांग कर रहे हैं कि स्कूल को खोला जाए। अभिभावक हम लोगों से आके कहते हैं कि कब स्कूल खुलेगा। बिहार सरकार के द्वारा जारी की गई कोरोना की गाइडलाइन को देखते हुए आज भी विश्व धरोहर महाबोधि मंदिर को बंद कर दिया गया है। वहीं अब दूर दराज से आने वाले पर्यटकों को निराश लौटना पड़ रहा है। मंदिर परिसर को सुबह शाम सैनिटाइज किया जा रहा है। महाबोधि मंदिर में आम पर्यटकों के लिए अगले आदेश तक प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। सिर्फ मंदिर के पुजारी सुबह शाम भगवान बुद्ध की पूजा अर्चना के लिए जाएंगे, इसके अलावा मंदिर के सुरक्षाकर्मी ही तैनात रहेंगे।
आपको बता दें कि ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि पिछले दिनों 3 सुरक्षाकर्मी कोविड टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए। और बाकी सब चीज वहां पे अचानक से ऐसा एहसास होता है कि बंद हो गया तो निराशा तो जरूर लगेगा। ये अगर बंद करना है तो सरकार को 4-5 दिन पहले का प्लान पहले कर लेना चाहिए कि हम उसको बंद करना जा रहे हैं, इतनी तारीख से बंद कर रहे हैं। कहाँ से आप आए थे? सर हमारे ये सब ऑडिटर हैं और ये लोग पटना से आए हैं, हम तो यहीं का लोकल हैं, लेकिन ये लोग बहुत आशा लगा के आए हैं कि हम यहाँ पे मंदिर में घूमेंगे, लेकिन उनको निराश होकर लौटना पड़ रहा है। मंदिर तो थोड़ा सैड हो गए हैं और आए थे कुछ काम से, उसे घूम ले। अच्छा, कहाँ से आए थे? धनबाद से। किस लिए गया आए थे आप? ये कॉलेज से काम से आए थे। अच्छा, तो सोचे कि जा रहे घूम लेते हैं थोड़ा सा, उसके बाद घर रिटर्न चले जाएंगे। नुकसान हो रहा ना। अब बोध गया किस लिए आए थे? बोध गया तो आए थे सर, जनरली घूमने के लिए आते हैं हम लोग, घूमने के लिए पर्पज से आए थे और काम भी था हम लोगों का, तो हम लोग सोचे मंदिर को विजिट कर लें, बट मंदिर आज से बंद हो चुका है ना। सरकार का गाइडलाइन के अनुसार हम लोग से बंद कर दिया कि आम श्रद्धालु नहीं जाएंगे, लेकिन हम लोग का BTMC का घंटे सब सुबह शाम वाला पूजा जो है वो तो करते रहेंगे, और दोपहर का जो खीर चढ़ता है ना वो भी करते रहेंगे। पहले जो हुआ था लॉकडाउन में वैसा ही हम लोग करने जा रहे हैं। गुरु जी कब तक बंद रहेगा? ऐसा आदेश तो आया हुआ है, आज से लेकर 30 अप्रैल तक बंद ही रहेगा। सभी जितना भी धर्म अनुष्ठान है, चर्च हो, मंदिर हो, गिरजाघर हो, सभी को बंद करने के लिए कहा गया। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट।